हिमालयवासी श्री राम ठाकुर महाराज जी की जीवनी का पहला अध्याय अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आइए हम आगे की जीवनी सुनते हैं। फल खा लेने के बाद महापुरुष ने फिर आदेश दिया, उठकर देखो, पास में ही तुम्हारे शयन के लिए सैया बिछी हुई है, अब थोड़ा सो लो। मैं पहले से ही जानता था कि तुम आज यहां आओगे, इसलिए तुम्हारे भोजन और शयन की व्यवस्था पहले से ही करा दी गई थी। पौ फटने से काफी पहले ही महापुरुष ने राम को नींद से जगाया। बोले, राम अब तुम शीघ्र ही दिनचर्या से निवृत्त होकर तैयार हो जाओ। सामने जंगल की ओर जो राह है उसे पकड़कर सीधे नीचे उतर जाओ और ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके वापस आ जाओ। निर्दिष्ट लग्न आ गया है, तुम्हें आज ही मैं दीक्षा दूंगा। दीक्षा ग्रहण करते समय राम के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। महापुरुष ने जो मंत्र इस समय उसके कान में चुपके चुपके डाल दिया है, वही बीज मंत्र तो उसे वर्षों पहले अपने घर पर सपने में आकर संभवतः यही महापुरुष प्रमाण कर चुके थे। उस दिन की दीक्षा ने बालक के जीवन में एक असाधारण दैवी कृपा की धारा बहा दी। उसके सामने अपरिचित आलोक का एक नया सिंह द्वार उद्घाटित हो गया। साधना और सिद्धि की सीढ़ियों को एक एक कर पार कर लेने के बाद राम ब्राह्मी स्थिति में अवस्थित हो गए। उसी समय से ये प्रसिद्ध हो गए राम ठाकुर के नाम से। राम ठाकुर की चर्चा ब्रह्मज्ञ समाज में भारत व्यापिनी हो उठी। तंत्र और योग की युग में रश्मि को राम ठाकुर ने देखते देखते धारण कर लिया। शक्ति और ज्ञान की अद्भुत लीला उनके माध्यम से उद्भासित हो उठी। वे भारत के समसामयिक महापुरुषों में अन्यतम महासाधक के रूप में चर्चा के विषय बन गए। राम ठाकुर अध्यात्म जीवन के महाशिल्पी और सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद भी अपने गुरुदेव का परिचय बताने के लिए जीवन काल में कभी राजी नहीं हुए। वे उनके परिचय को गुप्त रखने के लिए कृत संकल्प थे। वे उनकी चर्चा अनंग देव के नाम से करते थे, किंतु यह भी बता देते थे कि यह नाम उनका प्रकृत नाम न था। इस नाम का इतना ही तात्पर्य था कि राम ठाकुर के गुरु देहधारी नहीं थे, विदेही सत्ता के रूप में वे सर्वत्र विराजित रहते थे। अपने गुरु के इस नैर्व्यक्तिक परिचय के द्वारा वे उनके प्रकृत परिचय को छिपाए रखने की सुविधा प्राप्त कर लेते थे। कभी कभी वे उन्हें परमेश्वर की स्वरूप शक्ति के आनंदमय प्रकाश के रूप में भी श्रद्धापूर्वक चर्चा कर देते थे। पूर्व बंग के फरीदपुर जिले में एक छोटा सा गांव था, डिंडा मानिक। इसी गांव के एक साधारण मध्यवित्त ब्राह्मण परिवार में राम ठाकुर का जन्म हुआ था। पिता राधा माधव चक्रवर्ती को उस इलाके में लोग साधु पुरुष के रूप में जानते पहचानते थे। उनके परोपकार, सौहार्द और भक्ति परायणता की कथा उस अंचल में जनश्रुति बन गई थी। माता कमला देवी भी उस गांव की महान नारियों में गिनी जाती थी। राधा माधव चक्रवर्ती ने तंत्राचार्य मृत्युंजय तर्क पंचानन से दीक्षा ग्रहण करने के बाद योग और तंत्र की कठोर साधना की थी। उस रूप में उनकी कीर्ति कम न थी। उनकी अलौकिक शक्ति की कहानियां बंगाल के पार्श्ववर्ती गांवों में अब तक सुनी जाती है। राधा माधव चक्रवर्ती का अंतिम समय भी कम आश्चर्यजनक न था। एक दुसाध रोग ने उन्हें दीर्घ काल तक सैया पर सुलाए रखा। जीने की इच्छा और आशा जाती रही, किंतु ऐसे संकट के समय में भी उनके हृदय में एक दुर्निर्वार इच्छा जगी, क्यों ना गुरुदेव की चरण धूलि सिर पर धारण करने के बाद ही इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया जाए। राधा माधव चक्रवर्ती के दीक्षा गुरु तंत्राचार्य मृत्युंजय उस समय सैकड़ों मील की दूरी पर निवास करते थे। उस दिन उन्हें निकट के एक शिष्य के घर पर जहाज के जरिए जाना था।
जहाज का टिकट खरीदा जा चुका था। जहाज खुलने में थोड़ी ही देर थी और उस पर चढ़ने को सीढ़ी तक वे पांव बढ़ा चुके थे। तभी उन्हें अनुभव हुआ कि कोई उन्हें पीछे की ओर खींच रहा है। चेष्टा करने के बावजूद वे उस आकर्षण से अपने को मुक्त नहीं कर सके। अचानक मृत्युंजय महाशय के मानस पट में पूरी स्थिति स्पष्ट होकर भासित हो उठी। वे जान गए कि उनका प्रिय शिष्य राधा माधव शरीर त्याग के पहले अपने गुरु के चरणों की धूलि प्राप्त करना चाह रहा है, किंतु उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि वह स्वयं चलकर अपने गुरु के पास नहीं पहुंच सकता। इस तथ्य का एहसास होते ही मृत्युंजय महाशय जहाज की सीढ़ी से वापस उतर गए और उसी समय डिंडामानी गांव की ओर द्रुत पदों से चल पड़े। इधर राधा माधव चक्रवर्ती जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। जबरदस्ती उनके सिरहाने में आकर खड़े हो गए उनके दीक्षा गुरु तंत्राचार्य मृत्युंजय। राधा माधव ने आहट पाते ही अपनी आंखें खोल दी। उन्होंने कांपते हाथों से गुरु की चरण धूलि लेकर मस्तक पर धारण करने में सफलता पा ली और इसके तक्षण बाद शरीर का अनायास त्याग कर दिया। उस समय उनकी आयु 95 वर्ष में प्रवेश कर रही थी। राम ठाकुर की पुण्यमयी माता कमला देवी के शरीर त्याग की कहानी भी कम अद्भुत नहीं है। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय का एहसास उन्हें मृत्यु के 6 मास पहले ही हो चुका था। अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को वह अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार पहले ही दे चुकी थी और अंतिम समय की पूरी व्यवस्था स्वयं ही कर चुकी थी। राधा माधव और कमला के तीसरे पुत्र के रूप में राम ठाकुर का जन्म 1 फरवरी सन 1860 ईस्वी को हुआ था। भारतीय पंचांग के अनुसार उनके जन्म काल का वृत्तांत आचार्य दिनेश चंद्र भट्टाचार्य ने इस प्रकार लिखा है। 1266 बंगाब्द की बैसाख शुक्ला तृतीया को अर्थात अक्षय तृतीया को राम ठाकुर ने मात्र गर्भ में प्रवेश किया था, जिसकी स्मृति उन्हें अंत तक थी। उनके भूमिष्ठ होने का वृत्तांत भी कम अलौकिक नहीं है। भूमिष्ठ कहने का मतलब है कि जब हमारा जन्म होता है, जब हम भूमि पे आते हैं, गर्भ से जब हम बाहर आते हैं ना, तो उसको भूमिष्ठ कहा जाता है। और एक और बात है, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि श्री राम ठाकुर के जो पिताजी थे वो अपने गुरु को कितना मानते थे, और गुरु का जो दर्जा है, हमें गुरु को भगवान ही मानना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से भगवान ही है, लेकिन हम नहीं मानते, हम उन पे डाउट करते हैं। तो अगर डाउट करना है तो आप पहले ही करो, उनसे दीक्षा मत लो, और अगर आपने दीक्षा ले ली है तो अपने गुरु को पूर्ण रूप से आपको भगवान ही मानना है, वो भगवान से कम नहीं है। अगर आप चाहते हो ना अध्यात्म में लाभ उठाना, तो आपको अपने गुरु को भगवान ही मानना है पूर्ण रूप से, मन में कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में, आपके हृदय में डाउट होगा ना, तो सामने साक्षात भगवान भी आ जाएंगे ना, तो आप भगवान से पूछोगे क्या प्रूफ है कि आप भगवान हो। भगवान दर्शन देते हैं, अनेक रूपों में दर्शन देते हैं। कभी बंदर बन के सामने आएंगे, कभी गाय बनकर आएंगे, कभी बैल बनकर आएंगे, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न घूमते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने दीक्षा ले ली है तो आपके जो भी दीक्षा गुरु हैं आप उनको भगवान के तरह ही पूजिए, मानिए। और अगर आप लोगों ने दीक्षा नहीं लिया है तो आप लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद आप जो भी आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं ना, वो बहुत तेजी से और आपको उन्नति मिलेगा उसमें। और कृपया आप उनसे ये मत पूछिएगा कि हम किनसे दीक्षा लें, आपके गुरु आपको मिल जाएंगे। सबसे छोटी चीज़ है राम नाम का जाप कीजिए, पहले स्वयं को योग्य बनाइए। राम नाम का जितना जाप कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, लिखिए, 5-6 लाख लिखते लिखते आपके गुरु आपको मिल जाएंगे, आपको दिव्य मार्गदर्शन मिल जाएगा कि आपके गुरु कहाँ हैं, आपको किनसे दीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम ठाकुर महाशय की जीवनी पे आते हैं। उनके भूमिष्ठ होने का वृत्तांत भी कम अलौकिक नहीं है। उनके पिता राधा माधव चक्रवर्ती ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग करने के बाद गांव से थोड़ी दूर पर अवस्थित पंचवटी कुंज में उपासना करने के लिए प्रतिदिन चले जाते थे।
अगले वर्ष की माघी दसवीं तिथि को जब कमला देवी ने पौ फटने से पहले ही प्रसव वेदना का अनुभव किया तो उन्होंने स्वामी को पंचवटी जाने से रोकना चाहा। वृतांत जान लेने के बावजूद राधा माधव चक्रवर्ती अपने दैनंदिन दिनचर्या से विरत होने को राजी नहीं हुए। वे प्रसव कराने वाली एक स्त्री को पत्नी के पास छोड़कर धीर पदों से सीधे पंचवटी की ओर चले गए। थोड़ी ही देर बाद प्रसव हुआ, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि शिशु के बदले कमला देवी के गर्भ से चमड़े का एक स्निग्ध थैला मात्र बहिर्गत हुआ, जिसमें जीवन का कोई चिन्ह न था। प्रसव कराने वाली स्त्री उस चरमय पिंड को थोड़ी दूर पर अवस्थित एक बकुल वृक्ष के नीचे फेंक आई और प्रसूति की सेवा में संलग्न हो गई। बाद में लोगों ने देखा कि उस चरमय पिंड को घेर कर सियार का एक झुंड खड़ा हो गया है और अपनी पशु प्रकृति के अनुसार आनंद कोलाहल कर रहा है। काफी देर बाद एक सियार ने उस चरमय पिंड को मुख के द्वारा उठा लिया और झुंड के अन्य साथियों के साथ उस पंचवटी के पास जा पहुंचा, जहां राधा माधव चक्रवर्ती अपनी साधना में तल्लीन थे। तब तक सुबह की वेला धूप से जगमगा उठी थी। मकर चक्रवर्ती महाशय ध्यान मग्न बैठे थे। सियारों के चित्कार ने जब उनका ध्यान भंग किया तब उन्होंने देखा कि उनके सामने चमड़े का एक फटा थैला पड़ा है, जिसमें दो सद्यजात जीवित शिशु भी हंस रहे हैं। शिशु शरीर पर किसी प्रकार का कोई आघात चिन्ह न था। अब शिशु रोने लग गए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक के रोने की आवाज की घड़ी को ही जन्म काल की लग्न सूचना के रूप में ग्राह माना गया है। श्री राम ठाकुर स्वयं ही स्पष्टतः कह गए हैं कि उनका नाड़ी छेदन किसी नर नारी के द्वारा नहीं हुआ था, वह काम हुआ था मात्र रूपिणी शिवा के द्वारा, और उनका जन्म स्थान भी सूती गृह नहीं पंचवटी का सिद्ध पीठ ही था, जहां वे शिशु के रूप में भूमिष्ठ हुए थे। बचपन और किशोर काल में राम ठाकुर के जीवन की कोई ऐसी घटना लोक गोचर नहीं हुई जिसे अद्भुत कहा जाता। गांव के अन्य साधारण बालकों की ही भांति उछल कूद और खेल धूप में जीवन के वे दिन राम ठाकुर ने भी व्यतीत किए थे। इतना तो स्पष्ट ही था कि धर्मनिष्ठ परिवार में भगवत भक्त पिता माता की संतान के रूप में जन्म लेना अपने आप में एक अद्भुत सौभाग्य है। परिवार की सात्विक परंपरा और पिता माता के सदाचारी जीवन का प्रभाव उन्हें भीतर ही भीतर अवश्य ही प्रभावित कर रहा होगा, किंतु उस समय तक पूर्व जन्म के प्राक्तन संस्कार ने अपना ऐसा प्रकाश प्रकट नहीं किया था जो ग्राम बालकों के बीच उन्हें विशिष्ट और असाधारण प्रमाणित कर सकता हो। बताया जा चुका है कि हमारे चरित नायक का जन्म जुड़वे संतान के रूप में हुआ था। बड़े का नाम रखा गया था राम और छोटे का लक्ष्मण। पुण्यमयी माता कमला देवी रामायण गान के प्रति विशेष अनुराग रखती थी। वे जब कभी रामायणी कथा सुनने जाती तो राम और लक्ष्मण को साथ ही ले जाती थी। बालक राम के हृदय पर इस पौराणिक कथा की गहरी छाप आरंभ में ही इस प्रकार पड़ चुकी थी। भक्ति परक गीतों के प्रति भी बचपन में ही वे अनुरक्त हो गए। बालकोचित खेल धूप के बीच बीच में राम के खिलाड़ीपन को कभी कभी अद्भुत रूप लेते हुए देखा जा सकता था। कभी कभी बाल मित्र मंडली की भीड़ एकत्र कर वे ध्यानस्थ हो जाते और गीली मिट्टी की अनेक देव मूर्तियां बात ही बात में गढ़ डालते। देव देवियों की ऐसी मूर्तियों की पूजा में साथ की बाल मंडली में मिलकर कीर्तन और उत्सव समारोह इसके बाद स्वाभाविक ही था। राम की उम्र जिस समय केवल 8 वर्ष की थी उसी समय उनके पिता राधा माधव चक्रवर्ती का परलोकवास हो गया। पिता की मृत्यु की इस घटना ने राम को शोकाकुल ही नहीं किया, उनके अंतर में तीव्र वैराग्य का भी बीज बो दिया। पिता की मृत्यु के 3-4 वर्ष बाद की घटना है। बालक राम रात्रि की गंभीर निद्रा में निमग्न सो रहे हैं। अचानक स्वप्न में दर्शन दिया एक विशालकाय दिव्य सन्यासी ने। सोए सोए सपने में ही बालक राम ने देखा कि सन्यासी महापुरुष उनके कान में मुख सटाकर एक बीज मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। स्वप्न दीक्षा की इस प्रक्रिया के पश्चात
बालक राम ठाकुर को दिव्य सन्यासी की गुरु गंभीर वाणी सुनाई पड़ी। वत्स, प्रतिदिन एकाग्र भाव से इस शक्ति मंत्र का जप करते रहो, तुम्हारी मुक्ति का पथ शीघ्र ही उन्मुक्त होने वाला है। स्वप्न में प्राप्त उस बीज मंत्र का प्रभाव सचमुच अमोघ प्रमाणित हुआ। बालक राम के अंतर जीवन में उस मंत्र के आविर्भाव के साथ साथ नया आलोक आड़ोहित हो उठा। उस बीज मंत्र का जाप आप ही आप होता रहता था। इसका तात्पर्य ही था कि मंत्र की शक्ति बालक के प्राण के साथ मिलकर एक हो चुकी थी। इस प्रकार जन्मांतर की सात्विक संस्कार राशि को उस बीज मंत्र ने नए सिरे से प्रवाहित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप योग के विविध आसन, मुद्रा, बंद, प्राणायाम प्रभृति आप ही आप किए जाने लगे। बालक राम सहज भाव से आसनबद्ध होते ही प्रायः ध्यान में डूब जाया करते, किंतु आप ही आप होने वाली इन यौगिक क्रियाओं के रहस्य को समझने की चेष्टा बालक राम के लिए कभी आवश्यक नहीं हुई। इस दृष्टि से वे अपनी आध्यात्मिक संभावनाओं से स्वयं ही अपरिचित ही रह गए। यद्यपि बालक राम की एकांत प्रियता का आरंभ इस घटना के बाद ही आवश्यक हो गया, फिर भी घर के लोगों से इन यौगिक क्रियाओं की स्वयं क्रियता दीर्घ काल तक छिपी न रह सकी। पर धीरे धीरे घर के लोगों की यह उत्सुकता भी स्वयं ही शांत हो गई। उन्होंने ऐसा मान लिया कि किसी अज्ञात दैवी कृपा के कारण बालक राम में असाधारण संभावनाएं अंतर्निहित हो गई है, जो समय पर स्वयं ही प्रकट होंगी। कुछ वर्षों के बाद एक नई घटना घटित हुई। दूर के संबंध में राम की फूफी कही जाने वाली एक वृद्धा स्त्री सहसा तीर्थ यात्रा के लिए उत्कंठित हो उठी। उनकी टेक थी कि वे राम को ही अपने साथ लेकर चंद्रनाथ का दर्शन करेंगी। तीर्थों के प्रति और देव विग्रहों के दर्शन के लिए बालक राम में भी स्वाभाविक और जन्मजात उत्कंठा थी। अंततः तीर्थ यात्रा की तिथि निर्धारित हुई और उस फूफी के साथ भगवान चंद्रनाथ के दर्शन के लिए बालक राम घर से बाहर निकल पड़े। राम ठाकुर महाराज जी की आगे की जीवनी जारी रहेगी, और अगर आप लोगों ने इससे पहले की जीवनी नहीं सुनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पार्ट वाइज। और हमारा एक पीड ग्रुप भी है जिसपे पुनर्जन्म की चर्चाएं हो रही हैं, पुनर्जन्म की घटनाएं और संतों ने क्या क्या बताया है पुनर्जन्म के बारे में, प्रेतात्मा के बारे में। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करने की सहयोग राशि 499 रुपीज़ है, तो अगर आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको लगभग 220 ऑडियोज़ टेलीग्राम पे उपलब्ध कराएंगे। तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी, या अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। धन्यवाद।